नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, कोई माने या ना माने, पर इस वक्त पाकिस्तान की हालत उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है जो खंबे को नोचने की बजाय चाट रही है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने आज से भारत से लगते अपनी वाघा सीमा को खोलने का ऐलान किया है। यह आम लोगों की नजर में एक सामान्य बात हो सकती है, मगर इसके पीछे पाकिस्तान के फटते तैमंद और उड़ती टोपियों की घबराहट ज्यादा है। पाकिस्तान में आटा, चीनी, सब्जी और दवाइयों का संकट खड़ा हो रहा है। पूरे मुल्क में महंगाई का भूचाल आ चुका है और दुनिया में आयात निर्यात सीमित होने की वजह से आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत बढ़ने लगी है। यानी इसका साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ाने जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर 18 क्रॉसिंग पॉइंट है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ईरान से लगती अपनी सीमा को सील कर रखा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अपनी सीमा को खोलने की घोषणा की है, मगर उसने उसे नहीं खोलकर भारत से लगती वाघा सीमा को खोल दिया है। दरअसल वाघा बॉर्डर सील होने से पाकिस्तान किसी भी तरह का आयात भारत से नहीं कर पा रहा है। उसे दवाइयों, केमिकल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जहाज के माध्यम से मंगाने पड़ रहे हैं, जो उसे बेहद खर्चीला साबित हो रहा है। इसने भी वहां महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा किया है। पर इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि इस बार पाकिस्तान में गेहूं की फसल टिड्डी दल का शिकार हुई है, जिससे पाक में अनाज उत्पादन 28% कम हुआ है। हालत यह है कि इस वक्त अनाज के दामों ने हाहाकार मचा रखा है। 20 किलो आटे का बैग 1140 रुपए पर पहुंच गया है और 7 रुपए की बिकने वाली रोटी फिर से 15 से 18 रुपए हो गई है। पाकिस्तान के सामने अनाज का बड़ा संकट है और वह किसी तरह भारत से अनाज के आयात का जुगाड़ भिड़ा रहा है। इसके साथ ही वह सब्जी और दवाइयों को वाघा बॉर्डर से पाक में लाने की ताक में है। पाकिस्तान को फिलहाल 1,00,000 टन अनाज की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति केवल भारत से ही हो सकती है। किसी अन्य देश के मुकाबले भारत से अनाज सस्ता पड़ता है। वाघा बॉर्डर के खुलने पर सड़क मार्ग की वजह से इसके ढुलाई भाड़ा भी कम हो जाएगा, इसलिए मदरसा पैदाइश पैतरेबाजी में यकीनन अव्वल है। संभवतः बिल्ली खंबे को नोचने की बजाय इसीलिए चाटती हुई दिखाई दे रही है। भारत से आयात बंद होने के चलते महंगाई 12% ऊपर चली गई है, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह 21% पर जा पहुंची है। पिछले साल भी महंगाई 13-14% पर पहुंच गई थी। तो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और पैदावार में कमी, महंगाई और बेरोजगारी इमरान लोंडे की बेचैनी बढ़ा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान सरकार बैकडोर डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत से अनाज आयात पर बात कर रही है। 3 महीने पहले भी पाकिस्तान ने भारत से अनाज आयात करने का मन बनाया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही नई फसल आ गई, जिससे मामला बीच में ही अटक गया। मगर अब अनाज का जो कोटा पाकिस्तान के भंडारों में मौजूद है, वह बामुश्किल नवंबर का महीना ही निकाल पाएगा। ऐसे में इमरान ने अगर अनाज का आयात नहीं किया तो पाकिस्तान के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। पर यह मामला केवल भारत से अनाज आयात तक सीमित नहीं है। फरवरी 2019 से पहले तक भारत से अफगानिस्तान को होने वाला आयात का 80% सड़क मार्ग से होता था, जिसके लिए पाकिस्तान के रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे पाकिस्तान को हर महीने करोड़ों रुपए की आमदनी होती थी, मगर कोरोना वायरस की वजह से मार्च महीने से भारत समेत सभी देशों की सीमाएं सील है। यानी एक देश से दूसरे देश में आवाजाही बंद है। भारत अफगानिस्तान तक अपना सामान पहुंचाने के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर रहा है, जो काफी सस्ता और सुविधाजनक हो गया है। दुनिया में लॉकडाउन के दौरान ही भारत ने कांडला बंदरगाह से 75,000 मिलियन टन गेहूं की खेप चाबार बंदरगाह पर भेजी है, जिसे ट्रकों के माध्यम से अफगानिस्तान भेज दिया गया। इससे पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बड़ी बात यह है कि वर्तमान में भारत सरकार अब पाकिस्तान के रास्ते व्यापार करने को उत्सुक नहीं है। यानी चाबार बंदरगाह के बन जाने से पाकिस्तान पर जहां रणनीतिक दबाव बढ़ा है, वहीं उसे आर्थिक चोट भी पड़ रही है। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में भारत ने चाबार पोर्ट के थ्रू पहली बार 570 टन सामान अफगानिस्तान भेजा था। इससे पहले तक अफगानिस्तान जाने वाले सामान को अटारी बॉर्डर पर ले जाया जाता था, फिर भारत सामान को पाकिस्तान अपने ट्रकों में भरता था और उसके बाद ही अफगानिस्तान को भेजता था। अफगानिस्तान से आने वाले ट्रकों को भी पाकिस्तान में ही खाली करा लिया जाता था। इसके पीछे पाकिस्तान सुरक्षा कारणों का हवाला देता था। मोदी सरकार ने इसकी काट के लिए ही ईरान के साथ चाबार पोर्ट को विकसित किया है, जिसके चालू होते ही पाकिस्तान को आर्थिक चोट पड़नी शुरू हो चुकी है। अब हालत यह है कि उसे अपने लिए ही भारत से आयात करना मुश्किल हो रहा है।
चौंकाने वाली बात यह है कि भारत द्वारा समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करने से जहां पाकिस्तान के ट्रकों की हवा निकल गई है, वहीं अटारी बॉर्डर पर ढुलाई का काम करने वाली लेबर भी बेरोजगार हो चुकी है। यानी पाकिस्तान पर एक साथ दोहरी मार पड़ रही है। आज पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर खोल दिया है, मगर इसका फायदा उसे केवल भारत से आयात पर ही मिल सकता है। वह भारत को निर्यात कर सकेगा, इसकी संभावनाएं 0% है, क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर लगी 200% की ड्यूटी अभी भी बरकरार है और अभी भी भारत की ओर से उसमें रियायत मिलने के कोई आसार नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।